क्या नाम है आपका? शिव चरण। कहाँ रहते हो? नंगला बधीचंद। अच्छा ये बताओ, आज आपके यहाँ चोरी हो गई, तो आपको कैसे जानकारी हुई? सुबह आए तो पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर के ताले वाले टूटे हैं। आप लोग यहाँ रहते नहीं हैं? घर पे कोई नहीं, कोई नहीं रहता है। वो भाई का एक लफड़ा था आपस का, मियाँ बीवी का, तो उसमें केस चल रहा था, उसकी वजह से हम घर से बाहर से। तो ससुराल वाले क्या परेशान करते थे उनके? वो परेशान करते थे, आए दिन धमकियाँ देते रहते थे, घर को तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे तुम्हें, ये वो है। तो फिर आप लोग घर पर नहीं थे? घर पर कोई भी नहीं था। तो फिर जानकारी कैसे हुई चोरी की? चोरी की जानकारी पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर के ताले वाले टूटे हुए हैं। फिर क्या क्या चला गया आपके घर से? पूरा जेवर चला गया, कुछ नगद था 1,35,000-40,000 के करीब, और 8,00,000 के करीब जेवर चला गया। कितने भाइयों के जेवर थे? चार भाइयों के फुल जेवर थे। चार भाइयों के जेवर। पुलिस को सूचना दे दी? सूचना दी, पुलिस आई और लिख के ले गई। अभी आपने मुकदमा दर्ज नहीं कराया? अभी कुछ नहीं किया है। हेलो चलो चल जा बालक बच्चा। तू कौन बोल रहे? बाबली कहाँ खसमा? हाँ वो चले। क्या नाम है आपको? गीता। कहाँ रहते हो? बिदीचंद, नगला बिदीचंद। अच्छा जी, आज आपके यहाँ चोरी हो गई, आप लोग कहाँ गए थे? हम ऐसा था का हमारे देवा दौरानी में लड़ाई हो गई थी, तो उसने मुकदमा कान कर दिया, केस लगा दिया था, तो हम डर के मारे अपने घर से बाहर चले गए। बच्चे डरप रहे थे, इसलिए बच्चों को लेकर बाहर चले गए। अच्छा, आप लोग यहाँ थे नहीं? नहीं थे। तो कितने दिन से नहीं थे आप यहाँ? हम कोई 15-20 दिन से नहीं थे यहाँ पर। अच्छा, वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ, फिर आज जानकारी कैसे हुई आप लोगों? आज जानकारी ऐसी हुई थी कि पड़ोसियों से बताया था कि तुम्हारे घर के ताले टूटे डरे हैं, तब हम आए थे, तो आके देखा तो सब ताले टूटे हुए पड़े थे। तो कितने क्या क्या चला गया आपके यहाँ पे? हमारा पूरा फुल जेवर था, 8-9 लाख का जेवर था, और 1,55,000 रुपये थे। सबको ले गए? सबको ले गई। हेलो चलो चल जा बालक बच्चा। कौन बोल रहे? जो पूरी तो जाना देखो जी, देखो जो करवाना जाए सबकी स्थिति है। एक नहीं है, पांच अलग।
पिंकी नाम है। कहाँ गए थे आप लोग? मैं तो अपने मायके थी। क्या हुआ फिर, कैसे जानकारी? मुझे फोन किया था दीदी ने, तब मुझे पता चला, तब मैं आई थी। तो कितने रुपए गहने चले गए आप लोग? गहने तो कम से कम 8-9 लाख के थे, सभी चारों दीदियों के, मेरे सभी भाइयों के, और कुछ पैसे थे 4-5 लाख रुपए, सब यहीं रखे थे। और पुलिस को सूचना दी? दे आपके आगे पुलिस आई थी क्या? नहीं, मेरे आगे नहीं आई थी। थाना सदर के नगला विधिचंद में बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना। इस मकान में चार परिवार रहते हैं जो कि किसी मुकदमे के कारण घर से बाहर थे, तो वहीं इस खालीपन का फायदा उठाकर चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाते हुए लगभग 8 लाख रुपए के गहने सहित 1.5 लाख रुपए नकद ले गए। वहीं देख सकते हो आप किस प्रकार पूरे घर को खंगाल मारा है, और परिवार ने पुलिस को सूचना करते हुए तहरीर दी है, तो कहीं ना कहीं अपने परिचितों पर भी शक जताया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी घटना का खुलासा कर सकती है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।